हेलो दोस्तों, मैं तपन कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को। दोस्तों यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेजुएशन जो लोग ने किए हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट निकला है। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट निकला है और आपकी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी मतलब बहुत जगह में यहाँ पे एग्जाम सेंटर रखा गया है। दोस्तों आप अगर वो वीडियो नहीं देखा कितने पोस्ट है कहाँ पे है सारे मैं नोटिफिकेशन दे दिया हूँ, वो आप मेरा राइट कॉर्नर के आई ऑप्शन होगा वहाँ पे आप देख सकते हो वो वीडियो को जाके, पूरा डिस्क्रिप्शन किया हूँ। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा आपको कैसे एप्लीकेशन डालना है। दोस्तों यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो एप्लीकेशन आया है तो आपकी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे एप्लीकेशन डालना है तो मैं सारे इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक देख लीजिए, आपको कैसे एप्लीकेशन डालना है पूरा पता चल जाएगा। दोस्तों शुरू करता हूँ। दोस्तों शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर हमारे चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इनफैक्ट मैं भी बोलना चाहूँगा, मैं भी इसरो में नौकरी करता हूँ तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सजेशन दे सकता हूँ, प्रिपेरेशन प्रोसेस दे सकता हूँ। और दोस्तों आप अगर असिस्टेंट लोको पायलट या ग्रुप डी रेलवे का कई सारे जॉब निकला है उसके बारे में जानकारी चाहिए या पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों जरूर रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ ये एप्लीकेशन एक लेके आया हूँ जो एंड्रॉयड फ़ोन में आपकी इंस्टॉल करके आपकी यहाँ पे क्विकर मैथ ट्रिक्स, यहाँ पे बहुत सारा बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स रखा गया है वो आप देख सकते हो, मैथ ट्रिक्स वगैरह यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों जीके ऑनलाइन टेस्ट भी इसी के अंदर है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उसको आप इंस्टॉल करिए। कहीं जा रहे हो या आपकी कोई बस में ट्रैवल कर रहे हो तो ये एप्लीकेशन से भी पढ़ सकते हो। दोस्तों तो चलिए दोस्तों मैं आपको एप्लीकेशन डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों इसरो में जो वैकेंसी निकला है रिक्रूटमेंट टू जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी निकला है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये जो जगह है, ये जो है सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी है। तो यहाँ पे दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के लिए ये एडवर्टाइजमेंट भी खोल के रखा हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो। इससे पहले वीडियो में बहुत सारे कमेंट दे रहे थे कि फेक न्यूज है। दोस्तों ये मैं इस चीज़ को लेके फेक न्यूज नहीं बनाता हूँ, आपको सबको पता होगा फेक न्यूज ऐसे नहीं बनाता हूँ मैं। तो इसको अप्लाई करके मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारे आपको तैयारी करके रखना पड़ेगा। फिर क्लिक हियर टू अप्लाई यहाँ पे लिखा गया है, क्लिक हियर अप्लाई में क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो आपको पढ़ना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, आर्ट्स कॉमर्स, यहाँ पे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज रखा गया है, सारे इन्फॉर्मेशन इसी में है, कैसे आपको पेमेंट करना पड़ेगा और सारे इन्फॉर्मेशन इसमें है। इसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। इसके नीचे आपको थोड़ा ही आओगी तो इसरो सेंटर यूनिटी ये लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई होगा तो उसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपकी जो फॉर्म वो निकल के आ जाएगा दोस्तों, उसको मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे फुल नेम आपको पहले लिखना पड़ेगा, फुल नेम जो आपकी सर्टिफिकेट में 10th सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वो ही लिखिए। उसके बाद दोस्तों जेंडर सिलेक्ट कीजिए, मेल कर दीजिए या फीमेल जो भी है आपकी सिलेक्ट कर दीजिए, मैरिटल स्टेटस में मैरिड या सिंगल है तो सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद कैटेगरी में आइए, आपकी जो भी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे और जो विडो वगैरह है तो नो क्लिक कर दीजिए, अगर है तो आप यस डाल दीजिए। उसके बाद ये एक्स सर्विस में नो कर दीजिए और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो तो आप इसको यस कीजिए। यस अगर कर रहे हो तो आपको एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट 3 ईयर कंटिन्यू सर्विस तो नो कर दीजिए, ये सारे नो कर दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको यहाँ पे यस कीजिए। फिर उसके बाद फादर नेम लिखिए, यहाँ पे फादर नेम में लिखने के बाद यहाँ पे दोस्तों पहले आपकी मांग रहा है फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो इसको आपको अपलोड करना पड़ेगा तत्काल। अपलोड करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप जा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फोटो अपलोड कर दिया हूँ और सारे फॉर्मेलिटी भर चुका हूँ, उसके बाद सिग्नेचर भी अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद यहाँ पे आपके एड्रेस डालना पड़ेगा और यहाँ पे सारे आपकी जो रिकमेंडेड एड्रेस है आप उसको डाल दीजिए। उसके बाद ये आपकी मेल आईडी डालना पड़ेगा, री एंटर मेल आईडी, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जोन नेम, यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको डाल देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों ये सारे डाल दीजिए पहले। उसके बाद डालने के बाद यहाँ पे आपकी रिटर्न टेस्ट सेंटर आगे मांगेगा। जो भी आपकी रिटर्न टेस्ट सेंटर देना चाहते हो, इतना सारा सेंटर है, सपोज मैं अहमदाबाद देना चाहता हूँ तो अहमदाबाद को क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर दीजिए, जैसे कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी डिग्री का क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन है, आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मांग रहा है। यहाँ पे साइंस है, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, जो भी एप्लीकेशन है आपकी, जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप भर दीजिए। यहाँ पे गाइज डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल दीजिए, उसके बाद मैट्रिकुलेशन डाल दीजिए, उसके बाद डिप्लोमा किए हैं तो कंप्यूटर में डाल दीजिए यस या नो। फिर उसके बाद अदर कुछ है तो आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह कुछ है तो उसको आप डाल सकते हो। दोस्तों डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आ गया है, आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन पूरा आ गया है। उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो रिव्यू में देख लीजिए, रिव्यू में देखने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट में क्लिक कर दीजिए। सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो थैंक्स फॉर योर एप्लीकेशन सबमिटेड। उसके बाद आपको पेमेंट मांग रहा है दोस्तों, तो मेक पेमेंट में क्लिक कीजिए। मेक पेमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट के लिए आपकी इतना सारा ऑफर्स है जो SBI के थ्रू ऑन इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कई सारा ऑप्शंस है, वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों ये था फर्स्ट स्टेज। आपकी फर्स्ट स्टेज जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा उसके बाद एप्लीकेशन आप प्रिंट भी कर सकते हो, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेज प्रिंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी प्रिंट एप्लीकेशन लिखा हुआ है। उसके बाद मेक पेमेंट कीजिए। उसके बाद पेमेंट स्टेटस देख सकते हो। उसके बाद एग्जाम सेंटर जो दिया है ना, एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो दोस्तों। फिर मैं अभी मेक पेमेंट में नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। मेक पेमेंट में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट आपकी क्लिक कीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये जो कैप्चर कोड डाल के उसको आप, तो दोस्तों यहाँ पे लॉगिन करने के बाद ऐसे आ जाएगा। उसके बाद मेक पेमेंट करना करने के लिए आपको बहुत सारा मेथड्स है जो आप इसको देख सकते हो। मेक पेमेंट में क्लिक कर दीजिए। मेक पेमेंट में क्लिक करने के बाद आपकी ऑप्शंस मांगा दिया जाएगा, जो आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो या डेबिट कार्ड से करना चाहते हो या नेट बैंकिंग से करना चाहते हो। मैं आपको बोलूँगा कि आप नेट बैंकिंग से कीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में अपडेट होने के लिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा और मेक पेमेंट थोड़ा स्लो होता है। आप जब नेट स्पीड होता है तब भी मेक पेमेंट कीजिए। यहां पे मेक पेमेंट मेरा ऑप्शन आ नहीं रहा है। यहां पे देख सकते हो SBI बैंक चार्जेस यहां पे 11 रुपया ले रहा है। तो आप जो भी मेथड आप सिलेक्ट करना है तो यहां पे SBI में क्लिक करना है तो इसको SBI को क्लिक कर दीजिए। आपकी यहां पे जो नेट बैंकिंग यूजर ID पासवर्ड मांग दिया जाएगा। तो इसी तरीके में आपको मेक पेमेंट करना है। मेक पेमेंट करने के बाद यहां पे आपकी फिर आ जाना है होम पेज में। होम पेज बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पेमेंट स्टेटस भी देख सकते हो। उसके साथ साथ आप रिटर्न टेस्ट का जो एग्जाम सेंटर अगर चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो। इसी तरीके में आपको पेमेंट करके एप्लीकेशन सबमिट कर देना है दोस्तों। तो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन दोस्तों, ये कैसे आपको इसरो में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए बहुत सारा जो फोटोग्राफ और सर्टिफिकेट ही चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। तो इसी तरीके में आप जरूर अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।